बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। और आइए सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। साहेब भैया माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। और जितने भी श्रोता समाज हमें सभी गुरु बहिना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चर्चा का आनंद ले रहे हैं, उनको सभी को मेरी प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और आइए बहुत ही सुंदर शिव चर्चा का परिणाम, बहुत अच्छा फलदायक। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, सभी दुख को हरण करते हैं और सब पे दया बरसाते हैं। अभी अभी फिलहाल हमारे यहाँ नोएडा सेक्टर 17 की ये सच्ची घटना है और इस पे जरा सा गौर कीजिएगा गुरु भाई बहन। गौर करने की बात है, ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी गुरु भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि शिव चर्चा में भाग लीजिए, आइए और चर्चा का आनंद लीजिए। तो हमारे यहाँ गुरु बहिना है, उनको कोई संतान नहीं था और नारी को जब तक संतान ना हो तब तक उसका जिंदगी अधूरा रहता है और कोई उसे देखना पसंद नहीं करता। ठीक यही हाल थी हमारी गुरु बहिना का। वो इधर प्रतापगढ़ की है, रायबरेली साइड की। बेचारी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। और जैसे जैसे दिन बीतता गया शादी का और बच्चे नहीं हो रहे थे तो सास ससुर सभी ताना मारते, गोतनी ननद सब ताना मारती थी। और लास्ट में ऐसा समय आया गुरु भाई बहन कि उनके पति को माँ बोली कि बेटा तुम दूसरा शादी कर लो, अब इससे तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है, इससे हमारा वंश नहीं बढ़ेगा। फिर जाके वो बोले कि नहीं माँ, अगर मेरे किस्मत में होगा, शिव गुरु को देना होगा तो हमें देंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। अब कुछ दिन देखने के बाद उनको समाज में रहना मुश्किल हो गया और फिर लास्ट में उनके माता पिताजी बोले कि बेटा जब तू दूसरा शादी नहीं करेगा तो हमारे जमीन जायदाद से तुम बेदखल हो जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, जहाँ मर्जी वहाँ रहना, वहाँ जीना, चाहे मर जाना हमें मतलब नहीं है। लास्ट में वो गुरु भैया अपनी पत्नी को साथ लिए और यहाँ आ गए नोएडा सेक्टर 17। कमरा किराए पे लेके बेचारे रह रहे थे। 12 साल से तो मैं उन्हें जानती हूँ और शादी के 24 साल बाद, 24 साल मायने रखता है, 24 साल बाद शिव गुरु दया किए। जब भी चर्चा में आती थी तो रोती थी, कहती थी बहना जब शिव गुरु दया करेंगे तो हम धूमधाम से शिव चर्चा कराएंगे। और अभी इसी जो 2023 में सितंबर महीने शिव गुरु उनके घर में खुशहाली दिए और दो दो बालक जुड़वा बच्चा हुआ। जब उनका 7वां महीना चल रहा था पेट में तो बोली कि बहना हम तो गांव जा रहे हैं बच्चा होवाने, हमारे यहाँ तो कोई है नहीं देखने वाला, और गांव से जब आएंगे तो फिर भरी धूमधाम से चर्चा कराएंगे। और बेचारी गांव गई और गांव में ही एक लड़की पहले हुई है घर पे नॉर्मल, और 6 घंटे बाद हॉस्पिटल में ऑपरेशन से एक बेटा हुआ। शिव गुरु इतना उसको खुशियां दिए, एक साथ दो दो बालक, एक बेटा और एक बेटी। जय हो, दो दो दिए, क्या बात है, धनवान है हमारे महादेव जी। और कहने का तो कोई बात नहीं है। जब वो आई तो चारपाई पे दोनों बच्चा लेटा हुआ बहुत सुंदर खेल रहा था। हम जा रहे थे रास्ते से, मैं बोली कि बताई नहीं क्या हुआ, बोली यही दोनों हैं, देख लो। देखे भगवान अद्भुत रूप दिए हैं दोनों बालक को, बहुत सुंदर है। और भगवान उन दोनों को इतनी लंबी जिंदगी दे, इतनी लंबी जिंदगी दे कि बहना धनवान धनो धन्य हो जाए। बोलिए साचे दरबार की जय हो सभी गुरु बहना के, दो दो दे शिव गुरु ऐसा ही। जैसे शिव गुरु उस गुरु बहना के
अधूरा जिंदगी को पूरा किए हैं, ऐसे ही हर नारी की अधूरा जिंदगी की पूरा करें। जय हो। और आइए, 3 घंटा का चर्चा विश्राम हो गया बहना, गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाना है और कहना है, आज के हाजरिया बेल पतवे पर लिखाइल बा, आज के हाजरिया बेल पतवे पर लिखा।